बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैथ्स डिवाइन। स्टूडेंट्स, इन आर टुडेज क्लास वी आर स्टार्टिंग आर न्यू चैप्टर इन कन्वर्सेशन, लेसन नंबर 5, शेयरिंग योर टिफिन ड्यूरिंग रिसेस। ओके, सो यू ऑल हैव टू ओपन योर कन्वर्सेशन बुक विथ पेज नंबर 22 एंड चैप्टर 5। So students, it is our chapter, lesson number 5, sharing your tiffin during recess। ये chapter इस बारे में है जब school time में जब आप class में होते हैं और recess होता है तो उस time पर आप लोग जब अपना tiffin एक दूसरे के साथ share करते हैं तो उस बारे में conversation है और four students के बीच में, four friends के बीच में conversation होती है। Let's see, I start reading। नैना, सबसे पहले नैना की कन्वर्सेशन से स्टार्ट होता है। हुर्रा, हुर्रा क्या है? हुर्रा इज़ अ साइन ऑफ जॉय, है ना, खुशी का साइन होता है। और देखिए यहाँ पर ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा हुआ है, दिस वन, ये छोटा सा मार्क लगा हुआ है, इसे कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये वहाँ लगता है जब हम कोई अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं तो उसके बाद ये लगता है। तो नैना ने अपनी जॉय की फीलिंग को एक्सप्रेस किया हुर्रा कहकर। इट्स रिसेस, अब रिसेस है। आई एम सो हंग्री, मध्य अवकाश हो गया है, मुझे बहुत भूख लगी है। कम मीरा, आओ मीरा, कीर्ति एंड नेहा, जल्दी करो, हरी अप, ब्रिंग योर टिफिन, जल्दी करो, अपने टिफिन लाओ। मीरा, लेट्स सी ऑल टिफिन्स, चलो सारे टिफिन देखते हैं। माई माउथ इज़ वॉटरिंग सो मच, मेरे मुँह में तो बहुत पानी आ रहा है। अ गुड स्मेल इज़ कमिंग फ्रॉम द टिफिन्स, टिफिन्स में से बहुत अच्छी अच्छी गंध आ रही है, यानी खुशबू आ रही है। नाउ कीर्ति सेज, आई हैव ब्रॉट वेज सैंडविचेस फॉर ऑल ऑफ यू, मैं आप सब के लिए वेज सैंडविच लाई हूँ। नेहा, वाओ, दे लुक सो यमी, थैंक यू सो मच, वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नैना, लुक, टुडे माई मदर हैज़ मेड अ सांभर डोसा, हैज़ मेड अ स्पेशल डिश फॉर यू ऑल, इट्स सांभर डोसा। देखो आज मेरी मम्मी ने आप सब के लिए ये विशेष व्यंजन बनाया है, विशेष व्यंजन बनाया है, ये है सांभर डोसा। नाउ कीर्ति सेज, इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू, ये तो ऐसा लगता है जैसे सपना सच हो गया हो। आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम स्पेशल टूडे, आज मैं कुछ विशेष की उम्मीद कर रही थी, यानी शी वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग स्पेशल टूडे, तो वो कहती है कि मैं आज कुछ स्पेशल की उम्मीद कर रही थी तो ऐसा लगता है मुझे जैसे मेरा सपना सच हो गया हो। नेहा, नेहा कहती है सी आई हैव ब्रॉट राजमा चावल, देखो मैं राजमा चावल लाई हूँ। नैना, गुड, अच्छा, इट हैज़ गॉट अ नाइस कलर, ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। इट मस्ट बी टेस्टी, अवश्य ही स्वादिष्ट होंगे। थैंक यू मदर फ्रॉम आर साइड, हमारी ओर से अपनी मम्मी को धन्यवाद कहना। कीर्ति, टेल मी मीरा व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर अस, कीर्ति बताओ मीरा तुम हमारे लिए क्या लाई हो। मीरा, आई हैव ब्रॉट आलू पराठास फॉर यू ऑल, मैं तुम सब के लिए आलू के पराठे लाई हूँ। जस्ट ईट दैम एंड लेट मी नो हाउ डू यू फाइंड दैम, इन्हें खाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे लगे। नैना, आई कैन फील दे विल टेस्ट वेरी गुड, नैना कहती है मुझे लगता है वो बहुत ही स्वादिष्ट होंगे। हेयर वी हैव कम्प्लीटेड, नाउ टर्न द पेज। नाउ कीर्ति, योर मदर मेक्स रियली टेस्टी आलू पराठास, आई हैव ईटन देम अर्लियर, से थैंक्स सो टू योर मदर फ्रॉम माई साइड, तुम्हारी मम्मी सचमुच बहुत स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाती हैं, मैंने उन्हें पहले भी खाया है, मेरी ओर से अपनी मम्मी को धन्यवाद बोल देना। नैना, नेहा एंड मीरा, टेक सम मोर डोसा, आई होप यू लाइक्ड इट, नेहा और मीरा थोड़ा और डोसा लो, मुझे आशा है कि तुम्हें पसंद आया होगा। मीरा, वेरी मच, आई हैव नेवर टेस्टेड द डोसा लाइक दिस बिफोर, मैंने ऐसा डोसा पहले कभी नहीं खाया। नाउ नेहा सेज, इट्स डिलीशियस, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक, वुड यू टू मेक
वुड यू प्लीज़ गेट मी इट्स रेसिपी फ्रॉम योर मदर। नेहा कहती है कि ये बहुत ही स्वादिष्ट है, मेरी एक विनती है, क्या तुम कृपया मुझे इसे बनाने की विधि अपनी मम्मी से ला दोगी? नैना, ओह श्योर, हाँ बिल्कुल, आई विल गेट यू द रेसिपी, मैं तुम्हें इसे बनाने की विधि ला दूंगी। मीरा, टुडे वी हैड रियली अ नाइस लंच, लेट्स पैक आवर लंच बॉक्सेस एज अ बेल इज अबाउट टू रिंग। आज हमने वाकई बहुत बढ़िया दिन का भोजन किया, हमें अपने खाने के डब्बे बंद कर देने चाहिए क्योंकि घंटी बजने ही वाली है। द बेल इज अबाउट टू रिंग का मतलब है घंटी बजने ही वाली है। नेहा, श्योर, लेट्स गेट बैक टू आर सीट्स। नेहा कहती है बिल्कुल, हमें अपने स्थान पर वापस चले जाना चाहिए। सी, ये चैप्टर था शेयरिंग योर टिफिन ड्यूरिंग रीसेस। तो इसमें उन बच्चों ने अपना टिफ़िन आपस में बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर के साथ शेयर किया, एंड आफ्टर दैट बेल होने से पहले ही वो सब अपनी सीट पर आ गए। तो इससे क्या शो होता है कि दे एंजॉयड ऑल्सो एंड दे ऑल्सो शोड द डिसिप्लिन, यानी उन्होंने डिसिप्लिन अनुशासन का भी पालन किया और उन्होंने एंजॉय भी किया। सो हमें सारे काम डिसिप्लिन के साथ और पूरी एकता के साथ करने चाहिए। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर एंड ऑल्सो एंजॉयड इट। गुड बाय।